अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राजगल्फ न्यूज़। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की दो खास अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। दोस्तों ये दोनों ही अपडेट अगर आप कुवैत में रहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। दोस्तों आपको पता चले कि कुवैत की जो सरकार है वो एक फैसला ले चुकी है जिस पर अब काम शुरू किया जा रहा है। दोस्तों वो फैसला ये है कि जो लोग हैं, अजनबी लोग हैं कुवैत में, उन लोगों को 1.5 मिलियन लोगों को अब बाहर किया जाएगा, यानी 1.5 मिलियन लोगों को बाहर किया जाएगा। और वहाँ पर जो कुवैती लोग हैं, यानी जो कुवैती नागरिक हैं, उनको नौकरी दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता चलूँ कि जो कुवैत में ज़्यादातर संख्या में लोग हैं, अजनबी लोग हैं, वो इंडिया, बांग्लादेश और सीरिया के लोग हैं। इंडिया, बांग्लादेश, सीरिया के लोग ज़्यादातर तादाद में कुवैत में मौजूद हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो कम करने की जो बात आती है वो भी इंडिया, बांग्लादेश, सीरिया के लोगों को ज़्यादातर तादाद में कम किया जाएगा, और भी कंट्रियों के लोगों को भी कम किया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर तादाद जो होगी कम करने की वो इंडिया, बांग्लादेश और सीरिया के लोगों को ज़्यादातर तादाद में कम किया जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप वहाँ पर रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, तो अब आप होशियार रहें। दूसरी अपडेट जो है वो है कि 1 जनवरी 2019 को कुवैत में होली डे रहेगा। मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि तमाम मिनिस्ट्री 1 जनवरी 2019 को बंद रहेंगी और तमाम पब्लिक सेंटर भी 1 जनवरी 2019 को बंद रहेंगे। 2 जनवरी 2019 से काम जो है वो नए सिरे से चालू किया जाएगा। तो 1 जनवरी 2019 को दोस्तों वहाँ पर होली डे रहेगा। तो ये थी दोस्तों दो कुवैत की खास अपडेट जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल के आइकन को भी जरूर इनेबल कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।